सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। हर साल की तरह इस साल भी जुलूस ए मोहम्मदी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ निकाला गया। जुलूस ए मोहम्मदी का आगाज सुबह 9 बजे मुफ्ती जाकिर हुसैन नईमी ने मोहल्ला बंदुकचियान स्थित मदरसा नूरिया से हरी झंडी दिखाकर किया। जुलूस ए मोहम्मदी में अंजुमन फलाहे अहले सुनत के लोगों ने इमामों को शाल ओढ़ाकर और उनके गले में फूलों का हार डालकर किया। वहीं शहर के गणमान्य लोगों को भी वैच लगाकर उनका स्वागत किया। जुलूस मदरसा नूरिया से शुरू होकर अहमद अली रोड पहुंचा, जहां पूर्व विधायक मूलचंद चौहान की टीम और उनके बेटे अमित चौहान ने इमामों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं मछली बाजार में जुलूस 20 मिनट रुका, जहां मुफ्ती इकबाल साहब ने नबी की शान में प्रकाश डाला। उधर सर्राफा व्यापारियों सहित समाज सेवी योगेश रस्तोगी उर्फ बाबू भैया ने सभी इमामों का जोरदार स्वागत किया। सैफी मार्केट में सभासद डॉक्टर आजम सैफी और मोहम्मद उमर सैफी द्वारा जुलूस ए मोहम्मदी का जोरदार स्वागत किया गया। जुलूस मोहल्ला बंदूकचियान होते हुए नमक शाह बाबा के मजार पर पहुंचा, जहां पर मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद आरिफ, आबिद सकलनी, मोहम्मद राजा, हैदर अली, उमेर अली आदि सभी लोगों ने जलपान से जुलूस का जोरदार स्वागत किया। जुलूस मोहल्ला अफगानान पूर्व चेयरमैन महमूद हसन कस्सार की टीम ने इमामों को शाल उठाकर उनके गले में माला डालकर स्वागत किया। जुलूस डा जाकिर हुसैन रोड होते हुए लाल शाह बाबा के मजार के पास सलातो सलाम पेश किया गया। फिर जुलूस महात्मा ज्योतिबा फुले तिरंगा चौक होता हुआ कालागढ़ रोड पर मदरसे के सामने जुलूस 20 मिनट रुका। फिर इरफान लतीफी की टीम ने वहां नात पेश की। वहां से जुलूस मोहल्ला महल सराय होते हुए पुरानी तहसील डाक खाना मोहल्ला दर्जियान होते हुए मुसाफिर खाने पर संपन्न हुआ। जुलूस ए मोहम्मदी में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। यहां शहर के इमामों ने जुलूस मोहम्मदी के बारे में रोशनी डाली। इस प्रोग्राम की सदारत मुफ्ती जाकिर हुसैन नईमी, संचालन नसीम सलमानी ने किया। जुलूस में समाजवादी पार्टी के नगीना लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी एवं पूर्व जज मनोज कुमार, पूर्व पालिका अध्यक्ष महमूद हसन कस्सार, सलीम एडवोकेट, सपा के वरिष्ठ नेता हाजी मतलूब अंसारी, पूर्व सभासद हैदर अली आड़ती व धामपुर नगर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह, सुधीर एडवोकेट, नदीम नजाकत खां, सतपाल सिंह, शाकिर अंसारी, दिलशाद अंसारी, निहाल अहमद, अब्दुल्ला आदि शामिल रहे। जुलूस की कामयाबी में मोहम्मद की अत्तारी, नसीम अहमद सलमानी, इरफान लतीफी, काशिफ लतीफी, मोहम्मद सलीम कादरी, शमीम अहमद, मकसूद अहमद, मास्टर जुबैर अहमद, डॉक्टर तस्लीम अहमद, आफताब अहमद, लियाकत हुसैन, मोहम्मद नफीस, फुरकान अहमद, कारी उस्मान, सईद मियां आदि का सराहनीय योगदान रहा। धामपुर से सर्च इंडिया न्यूज के जिला संवाददाता रोमियो मयूर की रिपोर्ट। माहे रबीउल अव्वल की 12 तारीख में जो हम मुसलमान ईमान वाले जश्न ईद मिलाद नबी मनाते हैं और ख़ुशी में जुलूस भी निकालते हैं, ये इसलिए है कि 12 तारीख को सबसे आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मान ख़ातमे पैगम्बरां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान में तशरीफ़ लाए, तो उसकी ख़ुशी का इजहार करने के लिए हम ये जुलूस निकालते हैं। और ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है जिसका अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र फरमाया है, और आपकी तशरीफ़ आवरी को अल्लाह ने लफ्ज़ एहसान के साथ कुरान में बयान किया है। नेमतें बहुत अता फरमाई, मगर किसी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, मगर जब अपने नबी अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने ईमान वालों पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनमें एक नबी भेज दिया। तो जो सच्चे दिल से अपने नबी के मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके ग़ुलाम हैं, वो उनकी शान और शौकत के इजहार के लिए 12 तारीख में नहायत मसर्रत शादवानी जोश और खरोश के साथ और उम्दा निराली आन बान शान के साथ में जुलूस निकालते हैं और जश्न ईद मिलाद नबी मनाते हैं। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।